हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूएसए स्टडी वीज़ा के बारे में। सो एंट्री रिक्वायरमेंट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। सो एंट्री रिक्वायरमेंट में MOI एक्सेप्टेड है अगर आप CBSE ICSE से बिलोंग करते हो। सो अगर आपका 70-80% मार्क्स है या फिर अगर आपका CBSE ICSE बोर्ड भी है, सो वी कैन ऑप्ट फॉर सम ऑफ द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। अगर आप IELTS किए हुए हो तो वहाँ पे आपका 6 ओवरऑल, अगर आपका 5.5 ओवरऑल भी है, PTE में अगर आपका 45-50 भी है तो भी आप USA ऑप्ट कर सकते हो। USA में जो मेन USP होता है वो आपका होता है थर्ड पार्टी फंडिंग का, यानी कि आप वन डे ओल्ड फंड और थर्ड पार्टी रिसोर्सेज से आप जो है शो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम लोकेशंस की बात करें, सो कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग लोकेशंस पे आप जा सकते हो एज अ स्टूडेंट। अगर हम कोर्सेज की बात करें, सो UG प्रोग्राम पे एसोसिएट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो कि 2 साल का होता है, और वो यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र प्रोग्राम लेके आप जो है यूनिवर्सिटी में अपने बाकी 2 साल कंप्लीट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बैचलर्स डिग्री की बात करें, सो 3 से 4 साल की आपकी डिग्री रहती है। वहाँ पे आपको मोस्टली कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम्स, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर BTech वाले बहुत अमेजिंग कोर्सेज भी मिल जाती है। अगर आप आर्ट्स या बिजनेस प्रोफाइल से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे भी आपको BA के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन एंड बिजनेस के बहुत सारे स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे, जैसे कि IBM, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो। इसके अलावा अगर हम PG प्रोग्राम्स की बात करें, सो PG लेवल पे मास्टर्स इज़ अवेलेबल। सो मास्टर्स में आपको जो है IBM मिल जाएगा, MBA मिल जाएगा, MSc इन कंप्यूटर साइंस, MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे अमेजिंग प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। अगर हम ट्यूशन फीस रेंज की बात करें, सो अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग फ्रॉम 15,000 USD टू 20,000 USD, एंड अगर आपकी फ़ीस ज़्यादा भी रहती है तो उसके अलावा भी अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, सो यू विल गेट अप टू 10,000 टू 20,000 USD की स्कॉलरशिप। सो जितना आपका फ़ीस रहेगा आपको उतना स्कॉलरशिप्स भी आप जो है अवेल कर सकते हो। एंड अगर हम लोकेशंस की बात करें, अगर हम इंडस्ट्री वाइज बात करें, सो हमें भी पता है कि USA इज़ अ IT हब। सो अगर आप OPT या CPT के रिगार्डिंग भी बात करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको जो है 2 से 3 साल की OPD ऑप्शन मिलती है फॉर STEM डेजिग्नेटेड प्रोग्राम। एंड अगर आप आर्ट्स या बिजनेस प्रोफाइल्स की बात करते हो तो आपको 1 साल का OPD मिलता है, जिसको हम पोस्टरी वर्क परमिट भी बोल सकते हैं। अगर हम CPTs की बात करें, सो स्टूडेंट्स विल गेट अमेजिंग CPT अपॉर्चुनिटीज़ जो कि रहता है उनके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। एंड बाकी जानकारी के लिए आप लैंडमार्क विजिट कर सकते हैं, आप जो है नियरेस्ट ब्रांच भी विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।